कोई नहीं खाली आगे चलो इन्वर्टर हो गया है। हमारे पुंछ में जो चोरी की वारदात है वो लगातार बढ़ी रही है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, दो तीन लड़के जो हमारे पुंछ के बड़े सेंसिटिव हैं चोरी के मामले में, जो कंटिन्यू हर दुकान को तोड़ते हैं, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद को उन्होंने तोड़ा। तो सर बड़े अफसोस की बात है कि जब वो पुलिस उनको लेके जाती है और एक डेढ़ घंटा या दो दिन के बाद उनकी जमानत हो जाती है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आला अधिकारियों से ये अपील करूंगा कि इन पे बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको PSA लगाया जाए और हमारी स्टेट से इनको बाहर निकाला जाए। ऐसा ना हो फ्यूचर में कहीं मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद को नुकसान पहुँचाए और हमारा जो आपसी भाईचारा है इसको नुकसान हो। चन्नी सत्येंद्र पर चन्नी है, मैं डिग्री कॉलेज के पास दुकान करता हूँ। हुआ ऐसा कि रात को मेरी दुकान पर चोरी हुई, तो जब मैं आया सुबह 9 बजे दुकान खोलने के लिए तो आगे देखा ताले टूटे थे और तकरीबन मेरे दुकान का 40-50 हज़ार का सामान गया, जिसमें इन्वेटर, स्टेपलाइजर और भी दुकान का सामान उठा के ले गए। और हम एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली SSP साहब से ये कहते हैं कि पूंछ में काफ़ी चोरी हो रही है, इस पर थोड़ी